पुराणों में बताए गए ये जीव असल में पाए जाते हैं। भारत की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत के वेदों और पुराणों का महत्व पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हम बात कर रहे हैं पुराणों में बताए गए कुछ जीवों और प्राणियों के बारे में। क्या पुराणों में बताए गए यह जीव असल में पाए जाते हैं? वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपको पुराणों में बताए गए जीवों के रहस्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दरअसल पुराणों में बताए गए कुछ जीव काल्पनिक थे, कुछ आज के समय में लुप्त हो चुके हैं, तो कुछ को देखे जाने का जिक्र आज भी समय समय पर होता रहता है। इनमें से कुछ पौराणिक जीवों का उल्लेख हमारी शिल्प कला और मूर्ति कला में आज भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ जीवों के बारे में। जलपरी यानी मरमेड एक जली जीव है जिसका सिर एवं धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली की तरह कुछ पूछ होती है। पुरानी दंत कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। जावा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक में जल परियों को देखे जाने का दावा कई बार किया गया है। इनके दिखने की दो घटनाएं कनाडा के वैंकूवर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में भी हुई थी। 1493 में अपनी पहली समुद्र यात्रा में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इन्हें देखने का दावा किया था। कुछ लोगों का मानना है कि जल परियां आज भी समुद्र में मौजूद हैं, क्योंकि इन्हें देखे जाने का जिक्र आए दिन होता रहता है। यक्ष और यक्षिणी यह हिंदू बौद्ध और जैन धार्मिक पुराणों में वर्णित एक ऐसा वर्ग है जो देवता राक्षसों गंधर्व या अप्सराओं से अलग है। यह एक प्रकार के प्रेत हैं जो भूमि में गड़े होते हैं, गुप्त खजानों के रक्षक हैं, इसीलिए इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। संपत्ति के देवता कुबेर भी एक यक्ष थे। पटना के दीदारगंज में गंगा तट पर 18 अक्टूबर 1917 को एक महिला को यक्षिणी की अद्भुत मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति के मिलने के बाद से 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक था एरावत हाथी। यह देवराज इंद्र का वाहन भी है। इस सफेद हाथी के 5 सूंड है जो 5 प्रमुख देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके एक दांत है जो 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। रामायण के अनुसार एरावत की माता का नाम ईरावती था। विष्णु भगवान के अंश पुत्रों ने एरावत को गजों का यानी हाथियों का सम्राट भी कहा है। भारत में हाथियों को आज भी शुभ का प्रतीक माना जाता है। वानर का अर्थ है वन में रहने वाला नर। इनकी कई प्रजातियां भारत में आज भी पाई जाती है। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। रिसर्च से पता लगा कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में पाई जाती थी जो आज से 12 से 15 हजार वर्ष पहले लुप्त होने लगी थी और आखिरी में पूरी तरह से गायब हो गई। इसी प्रजाति का नाम कपि था। दक्षिण में मलय पर्वत और ऋषिमुख पर्वत के आसपास वानरों का राज था। इसके अलावा जामा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड जैसे द्वीपों के कुछ हिस्सों पर भी इनका राज था। वानर यानी बंदर की कई प्रजातियां आज भी हमारे बीच मौजूद है। बुरु ये भारत के उत्तरी पूर्वी इलाकों में पाई जाने वाली 20 फीट से ज्यादा लंबी और विशाल काय छिपकली थी। यह एक बार में 20 से 30 बकरियों को अपना भोजन बना सकती थी। अरुणाचल प्रदेश के आपतानी कबीले के मुताबिक यह छिपकली आज भी वहां के दलदली इलाकों में पाई जाती है जिसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होती है और रंग सफेद होता है। इनके पैर छोटे होते हैं और पूंछ बड़ी होती है। यह एक ही फटकार में इंसान की जान तक ले सकती है। ट्री ऑफ सन एंड मून इस पेड़ के तने समय के आधार पर बोलते थे। ये दिन में आदमी की तरह और रात में औरतों की तरह बोलते थे। लोगों का मानना था कि यह पेड़ भविष्य बताता है। इस पेड़ से भविष्य जानने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट और मार्क पोलो जैसे ग्रेट लोग भारत आए थे। ये पेड़ फारस के दक्षिण पूर्व के टोनोकेन प्रांत में स्थित है। वहाँ के स्थानीय लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं। यूनिकॉर्न इसका जिक्र भारत की पौराणिक कथाओं में भी है। इसे एक सिंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसके सिर्फ एक ही सिंग होती है। यह सफेद रंग के पंखों वाला
उड़ने वाला घोड़ा परियों की कहानी का खास पात्र हुआ करता था। यूनिकॉर्न नैतिकता और ताकत का प्रतीक माना जाता है। ड्रैगन का उल्लेख हमारे पुराणों में आग उगलने वाला सांप की आकृति वाले विशालकाय जीव के रूप में किया गया है। अलौकिक शक्तियों वाला यह जीव अच्छाई और गरिमा का प्रतीक भी माना जाता है। इसे अजदहा भी कहते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि पुराणों में पाए जाने वाले कुछ जीव या उनसे मिलते जुलते जीव आज भी हमारे बीच देखे जाते हैं। इनका अस्तित्व आज भी समय समय पर सामने आता रहता है। ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।